और इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बाइक सवार लोगों की दो लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, बाइक सवार से दो दोस्तों की मौके पर मौत हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां इलाज के दौरान दोनों दोस्तों ने तोड़ा दम। इंद्रजीत खेड़ा गांव के पास हुई है ये दुर्घटना। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बाइक सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है, और इलाज के दौरान दोनों दोस्तों ने दम तोड़ दिया है। इंद्रजीत खेड़ा गांव के पास हुई है यह दुर्घटना। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है, अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई है। बाइक सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है, और इस सारे मामले पर जानकारी देने के लिए अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ लाइन पर है। तो अनुप चतुर्वेदी जी, क्या जानकारी दे रहे हैं आप, क्या है पूरा मामला? राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में इंद्रजीत खेड़ा गांव के पास देर रात को एक ट्रक जो अनियंत्रित हो गया, और इसने दो दोस्त जो बाइक से ये अपने घर आ रहे थे जेल मार्ग रोड के पास, वो मऊ गांव में निवासी हैं, वहां पर ट्रक ने इनको पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद ये खाई में गिर गए। और इसके बाद पुलिस राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की मदद से इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इन दोनों दोस्तों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक सवार मौके से फरार हो गया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है कि सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए सड़कों पर कि कौन से ट्रक थे। दोनों दोस्त जो है देर रात शादी पार्टी में गए थे, वहां से लौट रहे थे, वहां से वापस आ रहे थे घर अपने, जहां पर ट्रक ने इनको पीछे से टक्कर मारी और दोनों की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जल्द से जल्द जो फरार ट्रक ड्राइवर है और उनको है जल्द से जल्द हिरासत में लेने की बात कह रही है। जी जी बिल्कुल अरुण चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाइक सवार से दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इलाज के दौरान दोनों दोस्तों ने तोड़ा दम।